नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरजू दुबे। पंजाब में 1200 करोड़ के सिंचाई घोटाले में एक्शन शुरू हो गया है। विजिलेंस अफसरों के अकाली नेता शरणजीत ढिल्लों को पूछताछ के लिए तलब किया गया है और जल्द इस केस में बड़ी गिरफ्तारी भी होने वाली है, क्योंकि सिंचाई घोटाले के सभी सबूत विजिलेंस की टीम को मिल चुके हैं, जिन्हें देखकर शरणजीत ढिल्लों से पूछताछ की जाएगी। इस रिपोर्ट में देखिए, पंजाब में 1200 करोड़ के सिंचाई घोटाले में बड़ा एक्शन शुरू हो गया है। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने अकाली बीजेपी गठबंधन सरकार के कार्यकाल में हुए 1200 करोड़ के सिंचाई घोटाले के मामले में पूर्व मुख्य सचिव सर्वेश कौशल और पूर्व कैबिनेट मंत्री शरणजीत ढिल्लों को पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया है। ये पहली बार है कि इस घोटाले में विजिलेंस ब्यूरो ने इतने बड़े अधिकारी को तलब किया है। हालांकि इस मामले में पूर्व सिंचाई सचिव केबीए सिद्धू और कहन सिंह पन्नू का नाम भी सामने आया था, लेकिन हाईकोर्ट ने केबीए सिद्धू की गिरफ्तारी पर कुछ दिन पहले ही रोक लगा दी थी। इस घोटाले से 2017 में कांग्रेस सरकार बनने के बाद पर्दा उठा था। इस मामले में ठेकेदार गुरिंदर सिंह सहित 3 इंजीनियरों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बड़े अधिकारियों पर ना तो कोई आंच आई और ना ही उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया। जिन 3 वरिष्ठ अधिकारियों का नाम घोटाले में सामने आया था, उसमें केबीएस सिद्धू वरिष्ठम अधिकारियों में शुमार थे और सर्वेश कौशल की जगह वो अपने आप को मुख्य सचिव के तौर पर देख रहे थे। उनके लिए प्रियंका गांधी तक ने लॉबिंग की थी, लेकिन सरकार की छवि पर असर पड़ने की चिंता के कारण तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उन्हें ये पद नहीं दिया था। वहीं कांग्रेस सरकार के दौरान इस घोटाले की जाँच ठप पड़ी रही। 2022 में जब सत्ता में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर विजिलेंस ने इसकी जाँच शुरू कर दी। विजिलेंस ने कहन सिंह पन्नू से जांच के दौरान सिंचाई विभाग के विकास कार्यों के टेंडरिंग प्रक्रिया के बारे में सवाल किए थे। उन्हें विजिलेंस ने प्रोफार्मा दिया था, जिसमें लिखित रूप में सवालों के जवाब लिए गए थे। सूत्रों का कहना है कि पूर्व सिंचाई मंत्री शरणजीत ढिल्लो और सीएस सर्वेश कौशल से पूछताछ के लिए भी सवालों की सूची तैयार की गई है। ठेकेदार गुरिंदर सिंह के बयान को आधार बनाकर विजिलेंस ने इस केस पर दोबारा काम किया है। विजिलेंस के मुताबिक ठेकेदार गुरिंदर को 2007 से लेकर 2016 तक 1200 करोड़ से ज्यादा के काम आउट हुए थे। तब गुरिंदर की सिंचाई विभाग में इतनी तोती बोलती थी कि नीचे से ऊपर तक अधिकारी भी उसकी पसंद के ही लगते थे। गुरिंदर की जो कंपनी 2006 में 4,75,00,000 रुपए की थी, वो 10 साल में 300 करोड़ की हो गई। 2017 में कांग्रेस सरकार आने के बाद घोटाला सामने आया और पूछताछ के दौरान गुरिंदर का एक बयान लीक हो गया, जिसमें उसने 2 पूर्व मंत्रियों, 3 पूर्व आईएएस अधिकारियों सर्वेश कौशल, बीएस सिद्धू, कहन सिंह पन्नू और कुछ इंजीनियरों के नाम लिए थे। इस तरीके से एक बड़े घोटाले का खुलासा हुआ। तो अब विजिलेंस अफसर अकाली नेता शरणजीत ढिल्लो और पंजाब के पूर्व चीफ सेक्रेटरी सर्वेश कौशल से घोटाले के बारे में सख्ती से पूछताछ करेंगे। 1200 करोड़ के घोटाले का पूरा हिसाब लिया जाएगा। आरोप है कि इन लोगों ने एक ठेकेदार से रिश्वत लेके सिंचाई विभाग में उसे 1200 करोड़ रुपए के ठेके दिए थे, गलत तरीके से टेंडर पास करवाए गए थे और सरकार को चूना लगाया गया था, जिसको लेकर विजिलेंस अफसर को कई अहम सबूत हाथ लगे हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।